जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग आपको ये अपडेट देने वाले हैं कि अयोध्या में जो नेशनल हाईवे जाता है अयोध्या होते हुए लखनऊ, उस नेशनल हाईवे को जो है कि अपग्रेड करने वाली है गवर्नमेंट और 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली है, क्योंकि अब अयोध्या में दिन प्रतिदिन जन सैलाब आता जा रहा है, भक्तों की भीड़ लग रही है अयोध्या में और अयोध्या विकसित हो रहा है। इस वजह से जो है कि अब गवर्नमेंट जो है इस नेशनल हाईवे को 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ने वाली है और इस पे एक्सप्रेसवे बनाने वाली है और ये 6 लेन का हो जाएगा। हम आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं अयोध्या बाईपास से फैजाबाद बाईपास का जो वीडियो है वो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। ये हम लोग अयोध्या बाईपास से निकले हैं और ये ओवरब्रिज चढ़ते ही एक भगवान श्री राम की भव्य सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जिसका वीडियो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा अलग अलग वीडियोस में। हम लोगों ने भी 1-2 बार डाला है वीडियोस में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप ऊपर देख सकते हैं कि दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ ये एक्सप्रेसवे, ये नेशनल हाईवे चला जाता है। अभी तक तो एक्सप्रेसवे नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, पर इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है कि इसे एक्सप्रेसवे बनाया जाए और अयोध्या में 2024 तक भगवान श्री राम की जो है कि मंदिर बन के तैयार हो जाने वाली है। जनवरी में 2024 में भगवान श्री राम के जो है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी है और भगवान श्री राम लल्ला विराजमान जो है कि वो अब भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जो कि 550 सालों से 550 साल से टेंट में विराजमान थे, जिनके मंदिरों को तोड़ दिया गया था और वहाँ पे मस्जिद थी। अब जो है कि असली स्वरूप है, असली भव्य नज़ारा है अयोध्या का। ये जो है कि बस स्टेशन है अयोध्या का, ये नेशनल हाईवे पे ही है, अयोध्या बाईपास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत ही बहुत बड़ा बना हुआ है ये जो बाईपास है। और इसे भी बनवाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा था और उसको भर के उसके बाद जो है कि इसके काम को अंजाम दिया गया है, इसको बनाया गया है। ये बहुत ही भव्य अयोध्या के भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए दूर दूर से अब लोग जो है कि आ रहे हैं अयोध्या। और लगभग यहाँ पे 50% 60% के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो जो है कि रोड से ही आते हैं और वो नेशनल हाईवे ही यूज़ करते हैं, या तो गोरखपुर साइड से आते हैं या तो फिर जो है कि लखनऊ से। और लगभग 40% लोग जो है वो ट्रेन और बाकी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। पर जो है कि अब जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ बन जाने वाला है, उस वजह से भी ट्रैफिक में थोड़ी सुधार होगी। बट फिर भी गवर्नमेंट जो है कि भविष्य का सोच रही है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी जनसैलाब आएगी, क्योंकि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है वैसे ही हिंदुओं के लिए सबसे बड़े आराध्य उनके भगवान श्री राम हैं, जिनका भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और उस लिए जो है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट अब इस जगह पे फोकस कर रही है। ये अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश की लगभग दिल बन चुका है। लखनऊ से थोड़ी ही दूरी पर अयोध्या पड़ता है, लखनऊ से लगभग 98 किलोमीटर दूर पड़ता है अयोध्या और गोरखपुर से भी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, मिडल में पड़ता है अयोध्या और बहुत ही कीमती जगह है अयोध्या। सरकार ने यहाँ पे टूरिस्टों के लिए बहुत सारी अट्रैक्शन की चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाईवे के बीच में कई जगह जो है कि मूर्ति लगाई गई है अलग अलग भगवान की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की और भगवान हनुमान जी की। और यहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, सूर्यकुंड है, दर्शन नगर है। दर्शन नगर एक बहुत ही पौराणिक काल का राजघराना रह चुका है, महाराजा दर्शन सिंह का ये जो है बसा हुआ नगर है। और यहीं पे एक सूर्यकुंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 नंबर बूथ है, यहीं पे जो है कि सूर्यकुंड है। ये रास्ता इधर सूर्यकुंड की तरफ चला जाता है, जिधर से अभी ट्रक आ रही थी, आपने ध्यान दिया होगा। और अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं जो कि लखनऊ चला जाता है गोरखपुर से। आप लोग जब भी कभी अयोध्या आएंगे तो ये नेशनल हाईवे आपके लाइफ में एक बार जरूर
रोल प्ले करेगा, क्योंकि अयोध्या यदि कोई यात्री आए और हाईवे से ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जल्द ही जो एयरपोर्ट बन रहा है वो एयरपोर्ट बन जाने के बाद जो है फिर भी आप जो है कि नेशनल हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक नेशनल हाईवे के बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत में पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम जो है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि इसके लिए ज़मीन एक्वायरेशन का जब काम चल रहा था तो लगभग 80 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया गया, आसपास के कई सौ घरों को जो है कि तोड़ दिया गवर्नमेंट ने, लोगों के ज़मीनों को एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, और लोगों को अच्छे खासे मुआवजे भी दिए इस ज़मीन को एक्वाइजन के लिए। और यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। अभी आगे हम लोग आपको वो एयरपोर्ट भी दिखाएंगे, वो भी इसी रास्ते में आता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इसी नेशनल हाईवे के रास्ते में आता है, वो जो बहुत ही बड़ा है वो ओवरब्रिज के ही पास में है, आपको एकदम स्पष्ट सामने दिखाई देगी। और ये जो है रोड सुल्तानपुर रायबरेली ये सब जो है कि इसी नेशनल हाईवे से कट के और हाईवे उन सब का भी जा रहा है, और वो सब जो है कि नॉर्मल रोड्स थी, अब जो है कि वो भी नेशनल हाईवे बन रही हैं, लगभग सारे रोड कंप्लीट हो चुके हैं, सुल्तानपुर का रोड कंप्लीट हो चुका है, रायबरेली का रोड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ गोंडा का भी रोड कंप्लीट हो चुका है, गोंडा में कुछ जगह जो है कि रोड अभी बाकी हैं, उसका भी कंस्ट्रक्शन जल्द ही जल्द पूरा हो जाने वाला है। आसपास के यात्रियों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई हैं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोग आ सकें और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का लुप्त और आनंद उठा सकें, अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, गुप्तार घाट जा सकते हैं। गुप्तार घाट वही पौराणिक गुप्तार घाट है जहाँ पे भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। हम लोग आपको जल्द ही अपने चैनल पे गुप्तार घाट का भी एक स्पेसिफिक वीडियो दिखाने वाले हैं, जो वहाँ की डॉक्यूमेंट्री हम लोग आपको शूट कर चुके हैं, बस आपको उस वीडियो को डालना है, और उसको भी हम लोग जल्द ही डालने वाले हैं। ये सुल्तानपुर रोड चला जाता है और यहीं पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको अभी थोड़ी ही दूर में आपको सामने दिखाई देगा। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये सुल्तानपुर के लिए दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है कि एरो दिखाई दे रहा है लखनऊ और अम्बेडकर नगर के, ये जो रोड है आगे आगे जब जाने पर और आगे जब हम लोग जाएंगे, ये रहा जो है कि अम्बेडकर नगर रोड जा रहा है, ये भी लगभग बन के तैयार हो चुका है, और इसके अगले ओवर ब्रिज पे जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको हम अभी आगे सामने दिखाने वाले हैं। ये रोड जो है सुल्तानपुर जाने वाला रोड है और यहीं पे जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो आपको ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जब ओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन कराते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही है जो आप देख रहे हैं सामने। ये आप बाउंड्री देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बाउंड्री और बहुत ही बड़ा ज़मीन एक्विजिशन है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं, यहाँ पे हज़ारों ट्रकें खड़ी हैं, लगभग जो है कि यहाँ पे काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, टर्मिनल का काम जो है कि 90% कम्प्लीट हो चुका है, 10% ही काम जो है बाकी है, बाकी रनवे तो फुल्ली कम्प्लीटेड हो चुका है, और जगह जगह मूर्तियाँ लगाई गई हैं। अब आपको आगे जो है कि बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियाँ भी हैं यहाँ पे, और ये जो है कि फैज़ाबाद एरिया पड़ता है, पहले इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है कि फैज़ाबाद था, अब फिलहाल में इसका नाम जो है कि परिवर्तित करके भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी पे इसका नाम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अब इसे ज़िला अयोध्या बोला जाता है, पूरे फैज़ाबाद को परिवर्तित करके ज़िला अयोध्या रख दिया गया है। और अब जो है कि आपको आगे सामने दिखाई दे रही होगी ये पुल, ये रेलवे ओवर क्रॉसिंग है, आपको सामने दिखाई दे रही है जो है ये रेलवे ओवर क्रॉसिंग है, जो कि यहाँ का रेलवे स्टेशन का जो ये ओवर क्रॉसिंग है, और सामने अब जो है कि एक ओवरब्रिज चढ़ने के बाद ओवरब्रिज साइड से चढ़ जाते हैं और इधर से जो है कि हम लोग फैज़ाबाद बाईपास वाले रोड पर ही चले जाएंगे। ये सीधे जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये फैज़ाबाद बाईपास है, और
फैजाबाद बाईपास का एक हाईवे जो उधर से आता है लखनऊ से, वो सीधे ऊपर से ही चला जाता है और ये साइड वाला जो है नीचे से चला जाता है। और आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय अयोध्या धाम, जय श्री राम।